हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का पार्ट 3 हिंदी का, और हमारे पाठ का नाम है हिमालय की बेटियाँ। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो पाठ है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इसके जो लेखक हैं उनका नाम है नागार्जुन। नागार्जुन जी का जो जन्म है वो 1911 में हुआ था, और इनका जो जन्म है वो 30 जून को हुआ था। हिंदी और मैथिली दोनों ही भाषाओं के अप्रतिम लेखक और कवि थे। नागार्जुन जी का जो जन्म है वो पूर्णिमा के दिन ग्राम तेरोनी जिला दरभंगा बिहार में हुआ था। आपको पता है नागार्जुन जी का जो रियल नेम है ना, जो असली नाम है वो है वैद्यनाथ मिश्र, परंतु हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली के में यात्री उपनाम से रचनाएं की हैं। इनके पिताजी गोकुल मिश्र तरनवी गांव में एक किसान थे। खेती के अलावा पुरोहिती आदि के सिलसिले में आसपास के इलाकों में आया जाया करते थे। इनका बचपन से ही क्या हो गया, यात्री से कुछ ज़्यादा ही इनका रिश्ता हो गया यात्रा से, और इनकी जो मृत्यु हुई वो 5 नवंबर 1998 दरभंगा बिहार में ही हुई। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इनमें से एक है हिमालय की बेटियाँ, जो कि एक गद्य कथा है। हम इसको पढ़ेंगे एंड आई एम डैम श्योर कि आपको ये जो कथा है ना, ये बहुत पसंद आएगी। तो चलिए हम अपनी इस कहानी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। सम्राट महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी इस भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर हो रहा है। यानी कि क्या होता है ना, क्योंकि ये जो लेखक थे तो लेखक थे उस समय में, ये भी एक यंगस्टर थे, तो इनको लगा कि भाई किसी फूल को देख के, किसी लड़की को देख के तो ऐसा फील नहीं होता जैसा इन नदियों को देख के, इनकी बाल लीलाओं को यानी कि हिमालय की गोद से इनको निकलते हुए देख के जैसा उनको महसूस हो रहा है। यहाँ पर जो लेखक है वह किसकी बात कर रहे हैं, वह नदियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हिमालय से क्या निकलती हैं, नदियाँ निकलती हैं, गंगा, यमुना, सतलज, ऐसी बहुत सारी। उनके बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि मैं बचपन से इनके साथ बड़ा हुआ बिहार में ना, फिर उसके बाद मैं इनमें डुबकियाँ लगाता था, मुझे इसमें माँ, मौसी और मामी जैसा प्यार मिलता था इनसे। अब जब लेकिन जब क्या हुआ ना कि वो हिमालय पर चढ़े, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और ही रूप में सामने थी। कौन? ये नदियाँ। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना कहाँ, ये भागी जा रही हैं, ये कौन लक्ष्य है जिनसे इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। यानी हिमालय इतना विशाल है, वो अपनी नदियों को अपनी बेटियों की तरह प्यार करता है, फिर भी ये क्या कर रही हैं, मैदानों की तरफ बहती जा रही हैं। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंकुर अधितिकाएँ, सर्वसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसी हैं इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा, अर्थात उन खुली जगहों पे जाकर इन्हें अपने पिता के प्रेम की, हिमालय से दूर होने की याद अवश्य ही सताती होगी। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये ऐसे दो नाम हैं जिनकी सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपीसा, गंगा, यमुना, सरयू,
गंडक, कौसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल से शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं को रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुहा भावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। लेखक के भाव मन में ऐसे भाव आना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से एक पिता अपनी पुत्री का हाथ अपने दामाद के हाथ में दे देता है उसी तरह हिमालय ने भी अपनी इन दोनों पुत्रियों का हाथ समुद्र के हाथ में दे दिया है। कालिदास के विरही यक्ष में ने अपने मेघदूत से कहा था, वित्रवती नदी का प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी ये प्रेसी तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का संचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिन्हें हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी तो ली तब तिब्बत की बात है, मन उठ गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उन प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया और लगा मैं गुनगुनाने। और फिर नागार्जुन जी क्या गुनगुनाते हैं देखिए, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाओ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी ये बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नदी के चिकित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। यानी इस कविता के माध्यम से कवि ने क्या किया, नदी को बहन का स्वरूप प्रदान किया। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।